नमस्कार, मैं साक्षी, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। थप्पड़ कांड पर अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से मांगा इस्तीफा। कहा, सुरक्षा में चूक एक बार हो सकती है, 9 बार नहीं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें थप्पड़ मारे जाने की घटना पर पीएम मोदी से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली अकेला ऐसा राज्य है जहां मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी विरोधी दल की सरकार के पास है। केजरीवाल ने उनकी सुरक्षा में चूक को लेकर षड्यंत्र का अंदेशा जताते हुए कहा कि चूक एक बार हो सकती है, 9 बार नहीं। ये बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने पीएम मोदी का इस्तीफा मांगते हुए कहा कि एक मुख्यमंत्री पर हमला हो जाता है और केंद्र सरकार कहती है कि उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली, इसलिए आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकती। पीएम को इस पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल पर हमला नहीं था, ये दिल्ली के जनमत पर हमला था। सीएम केजरीवाल ने कहा कि इन हमलों से मैं डरा नहीं, मजबूत हुआ हूँ। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 4 साल में आपको खत्म करने की साजिश कराई गई, मेरे ऊपर 23 केस करवा रखे गए, हमारी सरकार गिराने की कोशिश की गई। 2 साल पहले बवाना का एमएलए खरीदा गया, एक और एमएलए 3 दिन पहले खरीदा गया। उन्होंने खुद पर हमले के खिलाफ देश के दूसरे नेताओं के आवाज उठाने की भी बात कही। केजरीवाल से लेकर शरद पवार जैसे नेता खा चुके हैं थप्पड़। ये रहे अब तक के फेमस थप्पड़ कांड। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रोड शो के दौरान एक व्यक्ति ने थप्पड़ मारा। केजरीवाल नई दिल्ली लोकसभा एरिया में मोती नगर विधानसभा में यह रोड शो कर रहे थे। इस रोड शो के दौरान एक शख्स अचानक केजरीवाल की गाड़ी पर चढ़ा और फिर थप्पड़ मार दिया। बता दें कि मंच पर और रैली में नेताओं को थप्पड़ मारने की घटना नई नहीं है, नेताओं को थप्पड़ मारे जाने का सिलसिला पुराना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर प्रशांत भूषण और शरद पवार जैसे राजनीति तज्ञ अभी तक थप्पड़ कांड का शिकार रह चुके हैं। इस मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की किस्मत सबसे खराब रही है। उनको एक ऑटो ड्राइवर ने थप्पड़ मार दिया था। इतना ही नहीं, केजरीवाल पर 2 बार जूते चल चुके हैं और काली भी फेंकी गई है। गुजरात के युवा नेता और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हार्दिक पटेल को 19 अप्रैल को एक जनसभा के दौरान थप्पड़ मारा गया। हार्दिक गुजरात की सुरेंद्रनगर लोकसभा सीट के लिए एक रैली में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान भीड़ से निकलकर एक शख्स ने उनके पास आया और उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। इसके बाद भीड़ में शामिल समर्थकों ने तुरंत उस शख्स को पकड़ा और उसकी पिटाई कर दी। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के दौरान एक व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिया था। यह मामला 2014 का है, जब लोकसभा चुनाव के लिए केजरीवाल दिल्ली में रोड शो कर रहे थे, तब एक ऑटो ड्राइवर ने थप्पड़ मार दिया था। केजरीवाल को थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति अपने हाथ में एक माला लिए हुए था। उसने जीप पर सवार होकर पहले केजरीवाल को माला पहनाई और फिर थप्पड़ मार दिया। शरद पवार को एक युवक ने चाटा मार दिया था। यह मामला 2011 का है, जब शरद पवार केंद्रीय कृषि मंत्री थे। पवार के गाल पर थप्पड़ उस वक्त पड़ा जब वो इफ्को के एक साहित्यिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद बाहर निकलते हुए पत्रकारों से बात कर रहे थे। हमला होते ही मीडिया कर्मियों ने युवक को पवार से दूर धकेला और उसके बाद कृषि मंत्री वहां से निकल गए थे। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण से कुछ लोगों ने उनके सुप्रीम कोर्ट स्थित चेंबर में घुसकर मारपीट की थी। इसके बाद प्रशांत भूषण को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। हमला करने वाले 3 युवकों में 2 मौके से फरार हो गए थे, जबकि एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया था। बता दें कि केवल नेताओं को ही नहीं थप्पड़ मारे गए हैं, कई बार नेताओं ने भी सार्वजनिक मंचों पर कार्यकर्ताओं, अधिकारियों, कर्मचारियों को भी थप्पड़ मारा है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।